नमस्कार दोस्तों वीडियो में देखेंगे दोस्तों जे स्टील के शेयर में 30 अक्टूबर के लिए क्या लेवल्स टारगेट को ध्यान में रखना चाहिए दोस्तों नोटिस कर सकते हो जे स्टील का हम देख रहे हो वीकली टाइम फ्रेम पे चार्ट लगा हुआ है ओवरली स्टॉक आपको यहाँ से ऑप्ट्रेन में कंटिन्यू करता देखने को मिल रहा था दोस्तों अब नोटिस करेंगे स्टॉक यहाँ से जो लास्ट इसी हफ्ते की जो कैंडल दिखाई दे रहा है स्टॉक ने इसके नीचे क्लोजिंग दे दी यानी कि ब्रेकडाउन करता हुआ आपको देखने को मिल रहा है तो अभी के लिए जो सपोर्ट लाइन है ऐसा तो जहाँ पे क्लोजिंग दे रहा है ये भी सपोर्ट लाइन है इससे इसके नीचे जाता है तो 685 में एक सपोर्ट लाइन देखने को मिलेगा अगर इसको भी ब्रेक डाउन करे तो फिर रहेगा सिक्स फोर नाइन पर रेजिस्टेंस लाइन की बात करें तो रेजिस्टेंस लाइन देखने को मिल जाएगा आठ में जैसे जो आठ सौ पैंतीस को ब्रेकआउट करेगा क्लियरली ऊपर बढ़ता हुआ देखने को मिल जाएगा दोस्तों जे स्टील को अगर हम डेली टाइम फ्रेम पे चार्ट को एनालिसिस करते हैं तो यहाँ से हम एक ट्रेड लाइन ड्रॉ कर सकते हैं जो कि क्लियर लेकर डाउन ट्रेंड का सिग्नल दे रहा है और स्टॉक अपना सपोर्ट को भी यहाँ ब्रेक डाउन के जो कि और भी कंफर्म करा रहा है कि स्टॉक नीचे जाने वाला है ठीक है अब जब नीचे जा रहे हैं तो ये इस सपोर्ट को हिट करेगा जो हमने ऑलरेडी ड्रॉ करके रखा है सिक्स एट्टी फाइव का इसको टच करेगा ठीक है ध्यान रखना ऊपर जाने की संभावना तभी आएगी जब ये अपने स्ट्रे लाइन को ब्रेकआउट देगा तो दोस्तों वीडियो सिर्फ एक एजुकेशन परपज़ज पर जब बनाया गया है स्टॉक में बाय सेल होल्ड करने की सलाह सुझाव नहीं तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन भी ज़रूर दबाएं धन्यवाद